नमस्कार दोस्तों, स्टडी सर्कल मुरैना आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता है। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूँ। मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो बात कर लेते हैं इस पूरी वैकेंसी के बारे में, कौन सी वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्टेट कॉरपोरेटिव यूनियन लिमिटेड की ओर से काफ़ी सारे पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो आइए जान लेते हैं इस पूरी वैकेंसी के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है, कौन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है और कौन कौन सी इस वैकेंसी के लिए खास महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। आगे बढ़ने से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो लोग चैनल पर नए आए हैं, उन सभी लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में घंटे का निशान जरूर प्रेस कर दें ताकि सभी प्रकार की लेटेस्ट जॉब्स के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो ये बात कर लेते हैं इस पूरी वैकेंसी के बारे में कि मध्य प्रदेश स्टेट कॉरपोरेटिव यूनियन लिमिटेड में आपकी जो वैकेंसी निकाली गई हैं, ये कौन कौन सी वैकेंसी हैं, किस किस पद पर निकाली गई है। सबसे पहले तो बता दूं मैं आप सभी लोगों को कि जो ये वैकेंसी निकाली गई हैं, ये मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई हैं, जिसमें टोटल वैकेंसीज की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो 3629 पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके लिए आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो कि पोस्ट आपकी है वो जूनियर सेल्समैन की पोस्ट है, इसके ऊपर आपको ये वैकेंसी प्रोवाइड कराई जा रही है। बात करें वैकेंसी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो 10th पास और 12th पास पे सर्टिफिकेट आप सभी लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो लोग इस वैकेंसी के लिए योग्यता हासिल किए हुए हैं वे सभी इसके लिए अप्लाई जरूर करें। पे स्केल की बात करें तो आपको स्टार्टिंग सैलरी आपकी लगभग 6000 होगी और आपको सभी प्रकार की अन्य सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको जैसा कि पे स्केल गिवन रहता है उसके हिसाब से ही आपको पेमेंट कराई जाएगी। आगे बात करें एज लिमिट की, तो 18 से 40 आपकी एज लिमिट रखी गई है। बाकी सभी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए बाकी 5 साल की आपको छूट मिलेगी SST और OBC कैंडिडेट्स को। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी, आपको सिंपल मेरिट के आधार पर ही ज्वाइनिंग मिलेगी, सिलेक्शन हो जाएगा। फीस की बात करें तो ₹200 आपकी फीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है और सभी कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन में आती हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत और भी वैकेंसीज के लिए ये आपको हमने लिंक प्रोवाइड कराई है, इन लिंक को क्लिक करके आप वहाँ पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। आगे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर 2018 से के आवेदन शुरू हो चुके हैं और 28 अगस्त 2018 तक इसके आवेदन भरे जाएंगे। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स की, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लू लिंक देगी आपको नोटिफिकेशन और रेड लिंक ले जाएगी आपको एप्लीकेशन के फॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को प्लीज़ शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इन सभी वीडियो उसका फायदा पहुंच सके।